बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए इंटरटेनमेंट का दायरा अब तक घर तक ही सिमटा हुआ था, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कोलकाता के इंटरटेनमेंट पार्क अब खुलने जा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल के बाद कोलकाता के अम्यूजमेंट पार्क भी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं। पिछले 6 महीने से यहाँ के जितने भी अम्यूजमेंट पार्क थे वो बंद थे, जिसकी वजह से यहाँ का मेंटेनेंस इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। साथ ही चैलेंज है इस न्यू नॉर्मल सिचुएशन में विजिटर्स के लिए इन अम्यूजमेंट पार्क को हूबहू पहले जैसा रूप देना। ये हम लोगों के पास बड़ा चैलेंज है क्योंकि नया नॉर्मल सिचुएशन में हम लोगों को ये ऑपरेशन करने होगा, बट वी आर वेरी मच कॉशस अबाउट विजिटर्स हेल्थ, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेकिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सभी हम लोग इधर मेंटेन करेंगे। ये एरिया निको पार्क के वाटर पार्क का है, जहाँ पे पहले स्विमिंग पूल हुआ करता था। अब उसे दोबारा से उसी तरह से तैयार करने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इंटरटेनमेंट पार्क में लोगों की भीड़ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ क्राउड कंट्रोल करने के लिए जितने भी गेट है वहाँ इस तरह का सेंसर मशीन लगाया गया है जो विजिटर्स की काउंटिंग खुद ब खुद करके बताएगा। सुनसान पड़ा निको पार्क का टिकट काउंटर जल्द ही गुलजार होने वाला है। इसके लिए निको पार्क खुद को तैयार भी कर रहा है, ऑनलाइन टिकट सिस्टम भी और दुरुस्त की जाएगी। अब बड़ा चैलेंज ये है कि न्यू नॉर्मल सिचुएशन में निको पार्क पहले जैसा ट्रीटमेंट दे पाता है कि नहीं, इसका फैसला तो 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। कैमरामैन प्रत्यय मुखर्जी के साथ मैं सोनू ओझा, सनमार्ग, कोलकाता।